Why is Gupta always late, dude? उसे बताया था ना रेड पल्प रोड पे मिलना है। यहां मैं बीमार पड़ा हूं और तुम्हें गुप्ता की पड़ी है। ये देखो आ गए मेट्रो सिटी गुप्ता। अरे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्लेटलेट्स ने उधम मचा रखा है। मैं कैसे फिब्रिन से बच के आया हूँ मैं ही जानता हूँ। This is like an everyday struggle, yeah. हेलो कोई मुझे भी पूछ लो। अरे शर्मा तूने फिर से अपनी शेप बदल ली। इसका तो रोज का है। What are you saying, dude? अपना आयरन संभाल जाके। इसका तो क्रोनिक है। यार इसको पेप्टिक अल्सर हो गया था। पहले आयरन कम खाता था। मेरी तो हालत खराब कर दी है। तुम्हें पता है कितने भाई शहीद हो गए हैं मेरे और जो बचे कुछ हैं उनकी भी हालत खराब है। तभी तेरा रंग उड़ा हुआ है। मनीषा बेटा पेल बोलो पेल। ये रंग उड़ा हुआ इस सब मिडिल क्लास पेल। मैं क्या करूं गाइस? मैं क्या करूं? मैं इतना पेल हूं तो आप ही बताओ क्या करूं? थोड़ा सा ही तो आयरन आता है, उसमें जरा सा हीमोग्लोबिन बनता है। हम कैसे दिन काट रहे हैं हम ही जानते हैं। ओह माय गॉड, y'all will be living in like exceptional dystonia, right? ये सब अंग्रेजी हमारे सर के ऊपर से चले गई। Exceptional dystonia is the sensation of running out of air during physical activity. Ha, imbeciles. Exceptional क्या? Actress dystonia हो रखा है। इसका ध्यान भी नहीं लगता है कहीं। दिन भर इरिटेट हुआ रहता है और palpitation body एक चिल्लाता रहता है। ये तो हर दूसरे बंदे को है इस देश में। मेरा तो जेनेटिक इशू है। चुप कर, तू तो बचपन से ही रो रहा है। मेरी तो प्यूबर्टी ही हिट नहीं हो रही। What's so bad about having the nucleus? All my girlfriends break up with me saying I am a mature dude. हंसने की बात नहीं है। एक तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, ऊपर से ओनर वेजिटेरियन है। B12 वाई घाव भी तो आएगा कहाँ से? यहाँ मोटापा बढ़ता जा रहा है और फैमिली घटती जा रही है। क्या बताऊं यारो, स्प्लीन में जाने से भी डर लगता है। क्या पता जिंदा बचूं या फैगोसाइटोस हो जाऊं। बेचारे WBC और प्लेटलेट भी नहीं है अब गम बांटने को। बस है तो ये कमबख्त रेटिकुलोसाइट, दे आर ब्लडी एवरीवेयर। भाई फॉलिक एसिड लेने की नहीं सोची तुमने? अब तो फ्री टैबलेट्स है। Well, if he wanted to die, he could do that. Because folic acid will essentially aggravate the neuropathy, dude. What you need is the holy elixir of life, vitamin B12. Oh, bhai, maro mujhe maro. Teri problem kya hai? Problem ye hai ki mera hemoglobin hi defective hai. Aur kya? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उस हीमोग्लोबिन की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट, दिस म्यूटेशन प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम मलेरिया। यार जिंदा नहीं बचूंगा तो मलेरिया से खाक लड़ूंगा। ट्रस्ट मी यार, 6 दिन से आई हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। और अगर नॉर्मल RBC के हीमोग्लोबिन को एक नजर देख लो तो दिस HbA सेज यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काहे की खुशियां? रिलेशनशिप का मतलब ही ये होता है टू एंटर इनटू योर ओन हैप्पीनेस। अ हेल्दी हीमोग्लोबिन इज अ मिथ। तू थैलेसीमिया वाले को ही देख ले, कभी बीटा नहीं तो कभी गामा, कभी कम बीटा तो कभी ज्यादा। अरे मुझे तो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन चाहिए था। सब ना इस नॉर्मल फिजियोलॉजी का दोष है, ये फ्रस्ट्रेटिंग गाइटन एंड ऑल। एक अल्फा चेन एक बीटा चेन दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इनमें म्यूटेशन हो जाए तो कोई नहीं बताता। इसके आगे की कहानी मैं बताता हूँ। जब तक ऑक्सीजन है तब तक कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही जरा सी ऑक्सीजन की कमी क्या हुई, ये हीमोग्लोबिन सारे मिलकर पॉलीमर बना लेते हैं। फिर सूरत हो जाती है ऐसी सिकल सेल जैसी। फिर क्या, हर कैपिलरी में जाकर फंस जाता हूँ। फिर ये सेल ऐसे देखते हैं जैसे इनका माइटोकॉन्ड्रिया ही मांग लिया हो। और फिर ना जाने कब मौत आ जाए, क्योंकि वॉल्स तो मेरी ही है फ्रेजाइल।
मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया यार, इट्स रिडिकुलस। Oh God! Now that y'all are done, I have better work to do, like actually deliver oxygen. Bye, guys. यार मेरी भी ना आयरन टैबलेट का टाइम हो गया है. Bye. मुझे भी जिम जाना है. Bye.